दोस्तों आज की कहानी है माँ मेरी पत्नी को आप जिम्मेदारियों के नाम पर बेड़ियों में मत जकड़िए। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भैया आप मम्मी को डॉक्टर के पास लेकर गए थे क्या बताया? साक्षी फोन पर अपने कजिन भाई रोहित से बात कर रही। ठीक है भैया आप मम्मी को बोलना मैं जल्दी ही आऊँगी, साक्षी रोते हुए बोली और फिर फोन रख कर पलटी तो पीछे सास दमयंती जी खड़ी थी। उसकी आंखें नम देखो उनका पारा चढ़ गया। ये लो घर में शादी का माहौल है और ये महारानी टैसे बाकर अब शगुन कर रही। मम्मी जी भैया का फोन था, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, प्लीज आप इजाजत दे दीजिए, मैं उनसे मिलकर आ जाऊंगी तो मुझे तसल्ली हो जाएगी, साक्षी ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा। काबू रखो बहू अपने जज्बातों पर, 2 दिन बाद तुम्हारे देवर की हल्दी की रस्म में मेहमान आने शुरू हो गए हैं। वह लोग पूछेंगे कि घर की बड़ी बहू कहाँ है तो मैं क्या जवाब दूंगी? जाओ जाकर मुंह धुलकर हुलिया ठीक करो, मेरे बेटे की शादी है इसलिए अपना मातम वाला चेहरा सबके सामने लेकर मत आना। और एक बात अच्छे से समझ लो कि निकुस को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दमयंती जी साक्षी को संगत हृदय देकर बड़बड़ाते हुए निकली। इसलिए मैं खिलाफ थी साक्षी को अपने घर की दुल्हन बनाने के लिए, माँ की इकलौती बेटी, ना बाप और ना भाई। अब माँ बीमार पड़ी है तो झेलो उनको। साक्षी जब छोटी थी तभी उसके पापा केसर की वजह से उसे और उसकी मम्मी अमिता जी को अकेले छोड़कर चले गए। साक्षी के पापा के परिवार वालों ने कभी भी साक्षी और अमिता जी को किसी चीज की कमी नहीं रखी। साक्षी को अच्छे से पढ़ाया और वह अपनी पढ़ाई पूरी करके स्कूल में पढ़ाने लगी। दमयंती जी अपने बड़े बेटे निकुश के लिए साक्षी को देखने गई, उन्हें सब ठीक लगा लेकिन साक्षी के पापा और सगा भाई ना होने के कारण वह साक्षी को ना पसंद कर देती है। लेकिन साक्षी से बात करने के बाद निकुश ने जिद पकड़ ली कि साक्षी ही उसकी पत्नी बनेगी क्योंकि उसे अपनी जीवन साथी के रूप में जैसी लड़की चाहिए। साक्षी पर फेंकते पति मनोज और बेटे निकुश की जिद पर साक्षी दमयंती जी की बड़ी बहू बनकर आ गई, प्रोक्ष रूप से ना सही किंतु दमयंती जी ने साक्षी पर जिम्मेदारियों के नाम पर उसके पाप में जंजीर बांधी। उनकी यही कोशिश रहती कि साक्षी मायके ना जा पाए और अगर गई भी तो कुछ ही देर बाद किसी ना किसी बहाने से उसे वापस बुला लेती थी। बेटी ससुराल में खुश रही, सभी माँ यही चाहती हैं इसलिए अमिता जी उसे कभी अपने पास नहीं रोकती बल्कि हमेशा उसे यही ताकीद करती कि ससुराल ही उसका प्राथमिकता होनी चाहिए। और फिर वह क्यों चिंता करती है, उसके सासा सासी और भैया रोहित हैं ना उसकी देखभाल के लिए। दमयंती जी ने तो उसे प्रसव में भी नहीं जाने दिया। हमारे खानदान में कोई भी लड़की नहीं है इसलिए साक्षी को भी लड़का ही होगा, लेकिन उनकी ये मृत्यु भी गलत साबित हुई। जब साक्षी ने बहुत ही प्यारी सी गोल मटोल सी बेटी को जन्म दिया उस दिन दमयंती जी की हालत ऐसी थी कि जैसे उनका सब कुछ लूट गया। लेकिन निकुश मनोज और देवर अंकुश ने दिल खोला कर बेटी का स्वागत किया। अमिता जी ने अपनी हैसियत के अनुसार बहुत ज़्यादा व्यवहार लाई थी। उन्होंने अपनी नातिन के गले में सोने की चैन डाली जिसे सुबह से दमयंती जी ने निकाल दिया और सबके सामने ये कहकर बेइज्जत करने लगी कि उनकी हैसियत ही नहीं कि अपनी नातिन को सोने का सामान दे सके। ये तो अच्छा हुआ था कि जब अमिता जी चैन पहना रही थी तब निकुश ने फोटो खींच ली थी और निकुश ने धीरे से जाकर दमयंती जी से कहा कि वो
सेन वापस कर दे, क्योंकि वह नहीं चाहता कि उसकी माँ सबके सामने शोर के लाई। निकुश की समझदारी से अमिता जी की इज्जत बच गई। उस दिन के बाद से दमयंती जी अमिता जी को अपनी जानी दुश्मन समझने लगी। बहुत अरमानों से दमयंती जी ने अंकुश के लिए अपने मायके की बुआ के ससुराल से रिश्ता जोड़ा और वह अपनी सभी अधूरी ख्वाहिशों जो निकुश की शादी में पूरी ना हो सकी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बैसे ने। लेकिन कुछ दिनों से अमिता जी की तबीयत ठीक नहीं है। वह एक बार साक्षी और गुड़िया को देखने की जिद कर रही है, लेकिन दमयंती जी उसे नहीं जाने दे रही। उन्हें डर है कि अगर समदन को देखने साक्षी गई और उन्हें खुश हो गया तो साक्षी शुभ काम कैसे करेगी। इसलिए वह ने साक्षी को जाने से मना कर दिया और साथ ही ये भी कोशिश की कि घर में किसी को पता भी ना चले माँ बीमार। वो और एक बेटी को उसे मिल भी ना पाए तो उसके दिल को कहाँ सहन मिलेगा। रात भर साक्षी डर के साथ दुआ कर रही थी कि मम्मी जल्दी ही ठीक हो जाए। उसे बेसने से करवट बदलते देख निकुश की नींद खुल गई। उसने साक्षी से पूछा लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। लेकिन उसकी शक्ल देखकर निकुश समझ गया कि बात साक्षी की मम्मी की है, वरना साक्षी इतना बेसन नहीं होती। उसने साक्षी का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ मम्मी को उनसे बात हुई? निकुश के प्यार भरे शब्दों में साक्षी अपना दर्द ना छुपा पाई और उसने सब बता दिया। निकुश ने उसे तुरंत तैयार होने को कहा और खुद गुड़िया को गोद में लेकर कमरे से बाहर आ गया। सुबह दमयंती जी की आवाज़ से पूरा घर उठ गया। मनोज जी उसे शांत करते हुए बोले, कभी तो दिमाग से काम लिया करो, घर में मेहमान है और तुम सिला रही हो। सिलाऊ ना तो क्या करूँ, आपकी लाडली बहू अभी तक कमरे से बारी नहीं आई है, सभी मेहमान सही नाश्ता का इंतजार कर रहे, दमयंती जी गुस्से में बोली। साक्षी अपनी मम्मी के पास है और वह शाम तक आएगी। निकुश के ये बताते ही दमयंती जी अपना पारा खो बैठी। किससे पूछ कर गई है, उसकी हिम्मत कैसे हुई कह देना उससे कि अब उसे इस घर में वापस आने की जरूरत नहीं। मम्मी प्लीज, आपको अच्छे से पता था कि साक्षी की मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, फिर भी आपने उसे नहीं भेजा। आप इतनी पत्र दिल कैसे हो सकती हैं, सास बनते ही आप आपके अंदर का ममता कहीं खो गया है। आप कैसे एक बेटी के दर्द को महसूस नहीं कर पाई, एक माँ होकर भी आपको माँ की तड़प नहीं समझ पाई। मैंने उसका साथ निभाने का वादा किया है, इसलिए मैं तो उसका साथ दूंगा। उसने भी कब अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा है? अगर ससुराल के रिश्ते निभाने के लिए मायके की तिल्ला जली देनी पड़ती है तो मैं अपनी गुड़िया की कभी शादी नहीं करूँगा। कहीं उसे भी आपकी जैसी पत्र दिल सांस मिल गई तो मैं अपनी गुड़िया को देखने के लिए भी तरस जाऊँगा। मम्मी साक्षी को आप जिम्मेदारियों के नाम पर बेड़ियों में मत जकड़िए, वरना मैं ही उसे तोड़कर आपसे दूर लेकर चला जाऊंगा। उसे एक बार दिल से अपना कर देखो, बाकी आप खुद समझदार हैं। निकुश ने अपनी बात कही और वहां से चला गया। पीछे रह गई दमयंती जी अपने सास पना की ऐठन के साथ। दमयंती जी कितना सुधरी नहीं पता, लेकिन वह इतना समझ ही गई कि उसका कर्तव्य उन्हें बेटे से जरूर दूर कर देगा।